नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के नंबर वन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दंतेवाड़ा में 10 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। जी हां, बहुत बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों में संक्रमण, 30 लोगों का आंखों का ऑपरेशन कर दिया गया। 9 लोगों को रायपुर रेफर किया गया है जिनकी हालत अभी गंभीर है। रायपुर के मेकाहारा में इलाज चल रहा है। मरीजों से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी भी मौके पर पहुंचे हैं। मरीजों का स्वास्थ्य मंत्री ने हाल भी जाना है। सोचिए कि फंगस की शिकायत लेकर पहुंचे इन मरीजों के आंखों का ऑपरेशन कर दिया गया। अब कुछ मरीज ऐसे भी हैं इनमें से जिनको दिखाई भी देना बंद हो गया। दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 10 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, जिसमें 9 लोगों को रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। जिनको देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल पहुंचे, उन्होंने मामले की जांच की बात कही। देखिए, ये जो ऑपरेशन वगैरह है, चाहे आंख का हो या अन्य उसका, चूंकि ये डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है और कहीं इस प्रकार की इन्फेक्शन से संबंधित कुछ केसों में हो सकते हैं, तो इसको अगर मेकाहारा में लाए हैं तो उसका इलाज किया जाएगा। और मैं इसको, आप बता रहे हैं तो एक बार और विशेष रूप से इसको दिखवाता हूं कि किन कारणों से इस प्रकार की चूक हुई है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 24 अक्टूबर गुरुवार को 30 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया गया, जिसके कुछ घंटे के बाद मरीजों की आंखों में संक्रमण फैल गया। 10 मरीजों की हालत ज्यादा खराब थी, जिसके बाद शुक्रवार को 9 मरीजों को रायपुर और 1 को जगदलपुर रेफर करना पड़ा। जिला अस्पताल में जिस ऑपरेशन थिएटर में 30 लोगों का ऑपरेशन किया गया, उसे स्टरलाइजेशन नहीं किया गया था। ऑपरेशन थिएटर में वायरस मिले, जिसके बाद इसे सील कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 3 लोगों का जांच दल बनाया। रायपुर से भी 3 आंख के डॉक्टर की टीम जिला अस्पताल पहुंची है। छत्तीसगढ़ में ये कोई पहला मामला नहीं है जब मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद लोगों ने अपनी आंखें गवाई हो। अब देखना होगा कि दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में हुई बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर गाज गिरेगी या फिर ये मामला रफा दफा हो जाएगा। बड़ा सवाल मरीजों का, जो जिला अस्पताल एक और रोशनी की उम्मीद में पहुंचे थे, लेकिन अब इनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता के साथ रायपुर से युगल तिवारी और तनु वर्मा की रिपोर्ट। तो रोशनी की उम्मीद में पहुंचे इन मरीजों के जीवन में अब अंधेरा ही अंधेरा है। दिनेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, सवाल ये है कि क्या जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी भी, और होगी तो कब? दिनेश, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, मैं बता दूं कि जो बड़ी लापरवाही हुई है, इस पे जो जांच टीम जो जगह का मुआयना कर और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। और रही कार्रवाई की बात, तो जिस हिसाब से मंत्री जी भी इनका आड़ लेते हुए खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण की बात कर रहे हैं, तो ये लापरवाही को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और जो लापरवाही पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस पर कोई कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा लापरवाही मामला है और सामने चुनाव भी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस अवसर को भुनाना चाहेगी और एक बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले चुनाव के लिए। तो इस वजह से जो मंत्री जी हैं, उनका या तो स्वाभाविक रूप से है कि वो पर्दा डालेंगे, क्योंकि गलती उनके जो कर्मचारी वहां पर हैं, जो शासकीय लोग हैं, उनकी है, और पर्दा डालना लाजमी भी है क्योंकि सामने चुनाव है। जी, बहुत शुक्रिया दिनेश, जानकारी साझा करने के लिए।